हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित। तो यार, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब स्नोफॉल हुआ था तब मैं यहां पे एक्चुअली था नहीं। तो अभी सोचा ट्रैक करते हैं त्रियुंड का, और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल है ट्रैक पे, आपने देख ही लिया होगा। तो आज मैं गलू टेम्पल से जाऊँगा, और लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको गया जो दूसरा ट्रैक जाता है वाटरफॉल से वो दिखाया हुआ है। वो थोड़ा टफ है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी खड़ा ट्रैक है, तो बिगिनर के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये ट्रैक काफ़ी ईजी है, यहाँ पे आप इजीली त्रियुंड तक आसानी से पहुँच सकते हो। बट अभी स्नोफॉल है तो इसमें क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सेफ्टी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो गलू टेम्पल से हम आज अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे, और गलू टेम्पल में भी अभी स्नोफॉल काफ़ी है। अगर आप वहाँ तक भी आ सकते हो बर्फ़ देखने के लिए तो वहाँ भी देख सकते हो, अभी 4-5 दिन रहेगी। और ट्रैक में तो अभी त्रियुंड में तो 1-2 वीक तक ईजिली रहेगी, और आगे भी अभी स्नोफॉल होता रहेगा। तो चलो फिर करते हैं ट्रैक स्टार्ट आज अपना गलू टू त्रियुंड, और बाकी आपको बताता हूँ रास्ते में। और बाकी यार, अभी स्नोफॉल है तो प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ वगैरह, अगर आपको चलने में दिक्कत है तो स्टिक वगैरह, और हैट और एक चश्मा, क्योंकि बर्फ़ में आंखों में काफ़ी चुभती है धूप में, और जैकेट वगैरह, और ज़्यादा ओवर क्लोथिंग नहीं करनी है। और अगर आपने वहाँ स्टे करना है तो उस हिसाब से भी बता दूँगा कैसे क्या करना है वीडियो के लास्ट में। तो फिर चलते हैं अभी, और बाकी बता दूँगा आपको। सो लेट्स गो गाइस। सो फ्रेंड्स, हम अभी धर्मकोट में हैं, और यहाँ से पैदल ट्रैक भी जाता है गलू टेंपल के लिए, और बाई रोड भी जाता है। तो आपके ऊपर है बाई रोड जाओगे, वरना टैक्सी में भी जा सकते हो, 400 से 500 रुपया लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यार, यानी रात को कितना माइनस टेम्परेचर होगा कि सब कुछ फ्रीजिंग हो चुका है। और अभी हम गलू टेम्पल से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो परमिट फीस जो है पर पर्सन 100 रुपया है, और फाइन भी है, और बाकी कुछ जैसे टेंटिंग कैंपिंग करनी है उसके अनदर चार्जेस हैं। तो अभी हम यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अप्रोक्स 5 से 6 किलोमीटर का है। तो अभी करते हैं हम स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, और ट्रैक स्टार्ट करते ही आपको दिखा ही दिया कहाँ से करा स्टार्ट, क्या नहीं, वो सब कुछ बता दिया है। और आज अपने साथ अपने पार्टनर है, जो कि अपने लाइफ पार्टनर है। अगर आपने मेरे पहला व्लॉग देखा होगा मेरी मैरिज का, तो आपको अभी मिला देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मोनिका जी, अपनी लाइफ पार्टनर, आज ये हमारे साथ है। तो हम अभी त्रियुंड के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, और देखते हैं, थक जाते हैं जल्दी। बट काफ़ी स्नो है ट्रैक में, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में, या गलू टेंपल में भी काफ़ी स्नो है। तो क्या वो फ्लो में स्नो के जोश जोश में ईजिली ट्रैक हो जाता है। तो चलो अभी हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं, और आज के कैमरा मैन आप देख सकते हो ये रहेंगे हमारे मोनिका जी। तो चलो फिर करते हैं अभी ट्रैक स्टार्ट। प्लीज डू नॉट लिटर इन नेचर, सो काफी अच्छा मैसेज है, सो इसे प्लीज फॉलो करें। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ही ज़्यादा बर्फ है ट्रैक में, बट अभी ये स्टार्टिंग ही है ट्रैक का। अभी अप्रोक्स हमने 1 किलोमीटर ही क्रॉस करा, और यहाँ पे ऐसा है, तो आगे आगे जैसे हम जाएंगे हमारी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, बर्फ़ भी बढ़ती जाएगी ट्रैक में भी, और चढ़ना मुश्किल होता है। तो ऐसे में आपको ऐसे एड़ी शूज़ में एड़ी का यूज़ करना है बर्फ़ में चढ़ने के लिए, ताकि आप स्लिप ना हो और गिरोगे नहीं। तो हमें ऐसे पाँव रखना है यहाँ पे। आप देख सकते हो ये जो नीचे देख रहा है, इस साइड आपका भागसू आ गया, और यहाँ को ये धर्मकोट और अपर धर्मकोट आ गया, और इस साइड को हमने जहाँ से अभी ट्रैक स्टार्ट करा ये गलू टेंपल आ गया, और उस साइड कौन सा है वो, ए सामने कांगड़ा का किला, ये कैंट आ गया आर्मी एरिया, और उस साइड को नीचे एयरपोर्ट आ गया ये,
कांगड़ा गगल, और यहाँ पे ये क्रिकेट स्टेडियम है अगर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो सामने वाला व्यू दिख रहा है ये त्रियुंड का है, तो बस वहीं पे हमको अभी पहुँचना है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे एक और नया मेंबर हमारी टीम में ज्वाइन हो चुका है, अगर आप देख सकते हो ये मैजिक व्यू जो कि हाफ पॉइंट माना जाता है ट्रैक का, वहाँ पे भी कितनी ज़्यादा स्नो है, और यहाँ ट्रैक में भी देख सकते हो कितनी ही ज़्यादा स्नो है गाइस। तो फ्रेंड बड़ी देर से अपनी वाइफ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है डंडे से, देख सकते हो बर्फ़ को, बताओ कितनी है। हाँ तो देख सकते हो इतनी इतनी बर्फ़ है, इससे ज़्यादा ही है बीच बीच में क्योंकि जमी हुई है, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है बर्फ़ में चढ़ना। तो चलो चलते हैं, अभी हाफ पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है, बट अभी जो आगे का ट्रैक है वो थोड़ा टफ होने वाला है क्योंकि अभी आगे स्नो काफ़ी बढ़ जाएगी और आगे ट्रैक भी थोड़ा टफ रहने वाला है। तो चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही रिस्क है, अगर ज़रा सा पैर स्लिप हुआ है तो नीचे आप सीधा खाई में, तो काफ़ी ही ज़्यादा केयरफुल यहाँ पे चढ़ना पड़ रहा है, पैर एकदम टिका टिका के, जल्दबाजी कोई नहीं, अगर जल्दबाजी करी तो फिर आप देख ही सकते हैं अंजाम यहाँ पे क्या ही होगा। रास्ता तो मतलब कि दिख ही नहीं रहा है, टोटली स्नो है यहाँ पे ट्रैक में, मुश्किल हो रही है बट स्नो है तो इन्जॉय भी आ रहा है, और जितनी स्नो देखने में खूबसूरत है उतने ही नुकसानदायक भी है, साइड इफ़ेक्ट भी है, तो वो ही हमको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स कभी आप ट्रैकिंग करते हो तो पानी आपको जस्ट गला भिगोने के लिए यानी प्यास के लिए ज़्यादा पानी नहीं पीना है, वरना आप चढ़ नहीं पाओगे, फिर पेट नहीं भरना पानी से, थोड़ा सा पीना। और इस ट्रैक में वैसे भी आपको कहीं पानी मिलने वाला नहीं है, कैफ़े वगैरह रास्ते में मिलेंगे तो, बट वहाँ पे कॉस्टली मिलेगा, तो इसलिए अच्छा है कि आप 1 या 2 लीटर पानी अपने साथ कैरी करके लाए ट्रैक के लिए, और अगर आपने स्टे करना है तो ज़्यादा पानी लेके आए, वरना ऊपर फिर 100 रुपये कितने की बोतल मिलती है आप वो ले सकते हो। और बाकी जब भी आप बैठते हो रेस्ट करते हो तो एकदम आपको रक्षक अपना उतारना नहीं है, बिकॉज आपको गर्मी होती है, शरीर वार्म अप होता है, पसीना बड़ा होता है, अगर आप एकदम अपनी जैकेट और रक्षक वगैरह उतार दोगे तो एकदम आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा और बीमार होने के चांस ज़्यादा रहते हैं फिर उस केस में, तो इन बातों का ध्यान रखना है। और ऑलवेज़ माउंटेन साइड चढ़ना है, इस साइड नहीं चढ़ना बिकॉज आपको पता नहीं आगे रास्ता है या नहीं है बर्फ में खास करके, और वैसे भी पैर वगैरह स्किट होने का काफ़ी चांस रहता है गिरने का, तो ऐसा कुछ ना हो, सेफली आओ सेफली जाओ। तो चलो अभी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम आगे का ट्राई करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हो फुल रेस्ट होती हुई, तो बताए कैसा एक्सपीरियंस आपका चल रहा है अभी? गुड एंजॉय, गुड एंजॉय, स्नोफॉल काफ़ी है,
अच्छा लग रहा है ट्रैक में, बट टफ काफ़ी है ट्रैक, यहाँ पे आप देख सकते हो चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है स्नो में, और रिस्क भी काफ़ी है देख सकते हो आप। सो फ्रेंड्स यार अभी हम बस त्रिवेण के एकदम क्लोज हैं यहाँ से, बस अब थोड़ी अप्रोक्स 1 किलोमीटर की हम बोल सकते हैं यहाँ से बस खड़ा रास्ता अब चढ़ाई है, बाकी ट्रैक नॉर्मल है बट स्नो काफ़ी है तो काफ़ी मुश्किल हो रही है, और अभी आप देख सकते हैं चढ़ना काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, पाँव इन्हें दस जा रहा है बर्फ़ में, और अभी आप समझ सकते हैं नई शादी हुई है बाइक साथ में तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ मैं आगे जाने का, तो मैं यहीं पर अभी ट्रैक को स्टॉप कर रहा हूँ, क्लोज आके फिर दोबारा आएँगे, बाकी मैं आपको ऊपर के व्यू दिखा दूँगा त्रिवेण के, और बाकी मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग बनाए हैं उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे ब्लॉग का त्रिवेण के हैं, यहाँ से अब बागसू वाले जो है आपका लेटा वाला ट्रैक है करथानी वाला वहाँ का भी है सारे हैं, सारी फुल इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप मेरे को कमेंट करके अगर आपका कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, और बाकी यार इस साइड से कैंपिंग इतनी अलाउ नहीं है इस ट्रैक में और ऊपर त्रिवेण में भी, बट आप जाके वहाँ पर कर सकते हो, 1000 रुपया इतना रहेगा, खाना वगैरह इजीली ऊपर मिल जाता है, और मोस्टली जो कैंपिंग साइट है वो है करथानी में, तो अगर आप वहाँ से जाओगे यहाँ से जाके नीचे को उतरोगे तो वहाँ पे अपनी पर्सनल कैंपिंग वगैरह भी आप इजीली कर सकते हो करथानी में, वहाँ पे अलाउ है, और वहाँ पे आपको इजीली काफ़ी ज़्यादा मोस्टली आज की डेट में जितने भी बंदे ट्रैक करते हैं वो उसी ट्रैक को करते हैं, बट वो काफ़ी टफ है, आपको वहाँ पर चलना काफ़ी मुश्किल होगा, ये ट्रैक ईजी है और इस टाइम काफ़ी बर्फ़ है, और अभी ये 1-2 वीक तक रहेगी, बट अभी फरवरी टाइम है और भी दोबारा भी यहाँ स्नोफॉल होगा, और आप देख सकते हो यार जैसे अभी ताज़ा ही यहाँ पे हुआ है, और ऐसे कुछ काफ़ी ज़्यादा अभी ये इतनी पिघलेगी, अभी मई अप्रैल मई तक बीच बीच में यहाँ बर्फ़ मिलती है, और त्रिवेण से आगे फिर आपका स्नो लाइन में तो आपकी मई जून तक बर्फ़ आपको ग्लेशियर वहाँ देखने को मिलेगा, आगे इलाका में भी देखने को मिलेगा, और बाकी अगर आपको गाइड वगैरह करना तो उनका भी मैं कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बुकिंग वगैरह करवा सकते हो अपनी, 1000 रुपये तक रहती है, 1000 से 2000 रुपये तक, तो आप वो भी कर सकते हो, मैं बाकी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है क्वारी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और बाकी आपको सारा बता ही दिया, तो फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।